नमस्कार दोस्तों, आपका पिग फार्मिंग के चैनल वरा लाइफ स्टॉक में हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इसमें कौन कौन से टीके जो महत्वपूर्ण इंडिया में उपलब्ध हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो वैक्सीन होती है आयु के अनुसार पिगलेट की, जो उसकी लाइफ साइकिल चालू हो रही है, उसको बोलते हैं सर्कोवायरस। ये एक कंपनी है बोरिंगर, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, वहां से उपलब्ध है, इंडिया में अवेलेबल है। ये पिगलेट को 17 दिन से 21 दिन के बीच में लगती है जन्म से। इसको कोल्ड चेन, मतलब आप बर्फ में उसका टेम्परेचर मेंटेन करके ही लाएं अपने फार्म पे, और टेम्परेचर मेंटेनेंस में ही लगाएं बच्चे को, तभी ये काम करती है। इस वैक्सीनेशन का क्या फायदा होता है? बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ और एंटी बैक्टीरियल बॉडियों को ये पनपने नहीं देता, जो गलत बैक्टीरियाज हैं, जो गंदे बैक्टीरियाज हैं, जो सुअर की ग्रोथ पे अफेक्ट डालते हैं, उन्हें मिटा देता है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ देता है, वो स्लॉटर के लिए, ब्रीडर के लिए जल्दी और अच्छी हेल्थ में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कितनी बार देना है? साल में एक बार देना है बच्चों को 17 से 21 दिन में। अगर वो आपको स्लॉटरिंग के लिए या काटू में या फिनिशर बेचना है मार्केट में मांस के लिए, तो सिर्फ एक बार लगेगा। लेकिन आपको उस स्टॉक में से जो आपके पास पिगलेट्स हुए हैं उसमें से किसी को मादेन बेचनी है, ब्रीडर स्टॉक बेचना है, तो ये साल में दो बार लगता है। छठे महीने दूसरी बार लगेगा, जब मादन को हम गिल्ट अवस्था में बोलते हैं। दूसरा टीका, जिसको हम स्वाइन फीवर का टीका बोलते हैं या हॉग कॉलेरा का टीका बोलते हैं, ये इंडिया में दो तरीके से अवेलेबल होता है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी जो टीके होते हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? पहला आपको लुधियाना मिलेगा, दूसरा आपको बैंगलोर मिलेगा, तीसरा आपको कलकत्ता मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी एक लैब है, वहां से भी मिलता है। जो इम्पोर्टेड है, जो बाहर का टीका है, गैर सरकारी टीका है, वो दिल्ली में एक कंपनी है, वो बेचती है हॉग कॉलेरा वैक्सीन के नाम से। जो सबसे सस्ता टीका इसमें होता है वो कलकत्ता और लुधियाना के गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में उपलब्ध है। जो मेरी राय में सबसे अच्छा टीका है वो है बैंगलोर का टीका। ये टीके अलग अलग तरीके से लगते हैं। जो बैंगलोर का टीका है वो इंट्रामस्कुलर लगता है। जो विदेश का जो हॉग कॉलेरा नाम से वैक्सीन आती है उसका टीका भी इंट्रामस्कुलर लगता है। बाकी जो टीके होते हैं बाकी अलग अलग लैब्स के, वो सबकट भी लगते हैं, सब कंटेनियस खाल के नीचे। स्वाइन फीवर एक महामारी है जानवरों के लिए, और ये गलत धारणा है कि स्वाइन फीवर से स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फीवर सुअर से स्वाइन फ्लू इंसान वाला कोई लेना देना नहीं है, ये एक भ्रांति है। ये स्वाइन फीवर जब भी आता है उससे कई फार्म बर्बाद हो जाते हैं, अगर हमने सही से टीकाकरण नहीं कर रखा अपने जानवर का। तो स्वाइन फीवर बहुत महत्वपूर्ण टीका है, 50 से लेके 65 दिन के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। कोई भी टीका हो 21 दिन उस टीके को आपकी बॉडी में इंक्यूबेशन टाइम चाहिए होता है, तो 21 दिन के बाद ही लगाएं दूसरा टीका। कोई भी लगाते हैं, जैसे आपने सरको तक लगा दिया, उसके 21-25 दिन बाद ही दूसरा टीका या कुछ और लगाएं, जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे ले सके बच्चे की। स्वाइन फीवर का टीका डिवर्मिंग के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हैं बच्चे के तो उसे पहले से ही स्ट्रेस होता है, और स्वाइन फीवर से एक तो इंजेक्शन का स्ट्रेस, उसके बाद फिर जब ये जो वैक्सीन होती है जो अपना बॉडी में काम करती है उसका स्ट्रेस, तो डिवर्मिंग के 4-5 दिन के बाद लगाएं ये टीका। और जब भी ये टीका लगाएं इसको कोल्ड चेन जरूर मेंटेन करें, 2 डिग्री से 4-5 डिग्री, जो भी अलग अलग लैब्स का अलग अलग पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने को बोलते हैं
उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन जरूर मेंटेन करें। ये टीका 1 ml ही लगता है। सर्को वायरस का भी टीका 1 ml ही लगता है। अब आ जाते हैं FMD के वैक्सीनेशन पे, FMD का टीकाकरण। FMD का हिंदी में मतलब होता है मुंह पका खुर पका, फुट एंड माउथ डिजीज। इंडिया में कहीं कहीं हमें गलघोटू की भी शिकायतें आती हैं, तो उसके लिए FMD प्लस HS, ये एक प्राइवेट कंपनी है, गैर सरकारी कंपनी है, रक्षा ओवैक, जो शायद हैदराबाद में इसका फैक्ट्री है वो बनाता है। ये आपके लोकल जो गाय भैंस वाला हॉस्पिटल होता है वहां पे भी उपलब्ध है, पशुपालन केंद्र पे, नहीं तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा जब भी आप ये टीका लगाएं तो टायोवैक इसी कंपनी का आता है जिसके अंदर FMD प्लस HS, मुंह पका खुर पका प्लस गलघोटू दोनों की ही वैक्सीन साथ में होती है, वो लगाएं। ये टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। इसको सबसे अच्छा टाइम है लगाने का वो आप जब स्वाइन फीवर की वैक्सीन लगा दें पिगलेट में, उसके 30 दिन के बाद लगाएं, या विंटर्स सर्दियां चालू होने से पहले, या रेनी सीजन बरसातें चालू होने से पहले लगाएं, उसी समय इस महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये खुराक इसकी पिगलेट अगर है तो उसको 1 ml लगेगा, और बड़ा सुअर है तो उसे 2 ml लगेगा। सर्को वायरस 1 ml लगेगा, स्वाइन फीवर 1 ml लगेगा, लेकिन ये पिगलेट को 1 ml लगेगा, बड़े सुअर को 2 ml लगेगा FMD और HS का टीका। FMD में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मुंह पका, मुंह के अंदर छाले या घाव, खुर पका, खुर में घाव, उसके बाद अबॉर्शन हो जाना मादिन का, मादिन मरे हुए बच्चे देना या मादिन के बच्चे कम होना, उसका दूध ढंग से नहीं उतरना, ये सब बहुत सारी चीजों रिलेटेड होता है, लेकिन हम FMD को भी इसका एक कारण मानते हैं, और ये भी बहुत बड़ी महामारी है स्वाइन फीवर की तरह, तो इसका टीका लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कब करना चाहिए, टीकाकरण का सही टाइम क्या है? टीकाकरण हमेशा ठंडक के टाइम पे करना चाहिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, जब आपकी धूप या जब आपका मौसम थोड़ा ठंडा होता है तभी लगाना चाहिए। जब भी कोई महामारी फैली हो आपके अगल बगल के किसी फार्म पे या आपके डिस्ट्रिक्ट में, तब ये टीकाकरण नहीं करना चाहिए। जब आपका जानवर बिल्कुल स्वस्थ है तभी आप ये टीका लगाएं। देखते रहिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, और सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं कुछ नया डालूँ तो आपको पता चल जाए, और जितने भी आपके दोस्त हैं नए जो जानना चाहते हैं पिगरी के बारे में, सुअर पालन के बारे में, उनसे शेयर करिए। धन्यवाद।